टॉपिक है बच्चे आपका नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात थी कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लगा देते थे। देन हमने पढ़ा कंपाउंड। कंपाउंड में ये था कि जी हर साल असल रकम जो प्रिंसिपल कहलाती है और उसके साथ जो इंटरेस्ट है उनको ऐड करके और देन उसकी पावर दी जाती थी, तो उस हिसाब से था। उसको क्या बोलते थे, एस इज इक्वल टू, मैं फार्मूला उसका लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर की पावर एन। ये किसका फार्मूला था जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है नॉमिनल और इफेक्टिव रेट। ये असल में क्या है कि बाद औकात से डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेस पे भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होते हैं। तो अब बात वही है, कंपाउंड ही हो रहा है, लेकिन पहले कंपाउंड हो रहा था ईयरली बेस पे, उसके लिए तो ये फार्मूला आपका चल गया। अब जो है वो सीन थोड़ा सा चेंज हो गया कि अगर वो इसके अलावा किसी तरीके से करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये फार्मूला है इस चीज का, नॉमिनल और जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका उसके लिए, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज एडेड इन वन ईयर। वहां पे एन जो है, यहां पर क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पे क्या था, नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन यहां पे एन क्या है, टाइम्स। यहां पे अब टाइम्स से क्या मुराद है, हमने कहा कि डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हमें वो एग्जाम में वादे तौर पर बताएगा कि वो कौन सी बात का है। तो जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा एन के तौर पर, और वही है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंटरेस्ट इज एडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का क्या मतलब है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, चार क्वार्टर होते हैं, तीन तीन मार्क के चार क्वार्टर, देन इट इज एडेड फोर टाइम्स इन वन ईयर एंड एन इज इक्वल टू फोर। अगर वो कहता है कि जी इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली पे होना है तो हम एन जो है वो क्या लेंगे, चार लेंगे, मतलब ये हमें पता। अगर वो कहता है वीकली पूरे साल के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं जी। और अगर यही वो कहता है ट्वाइस इन अ ईयर, तो ट्वाइस का क्या मतलब है, दो दफा, इसको सेमी एनुअल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस आपका एन कितना बन जाना था, दो बन जाना था। यू विल नोटिस दैट इफ इंटरेस्ट इज एडेड एनुअली देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट यूजिंग द फार्मूला इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर वो वही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, अ बैंक ऑफर्स सेवर्स थ्री अकाउंट, तीन अकाउंट ऑफर करता है जी। एक में नॉमिनल इंटरेस्ट जो है ना वो 10% है और वो एडेड क्वार्टरली है, ठीक हो गया। दूसरे में नॉमिनल इंटरेस्ट 11% है और वो हाफ ईयरली, यानी कि साल में दो दफा। और तीसरे में नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है और वो एनुअली एड होता है। विच अकाउंट शुड सेवर्स चूज, कौन सा चूज करना चाहिए। वो कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड टू एनेबल अ कंपेरिजन ऑफ अकाउंट टू बी मेड। द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, देयर फोर 2.5 इज एडिड ईच क्वार्टर कंपाउंडिंग दिस फोर टाइम्स गिव एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ। दस परसेंट आपको टोटल मिलना है, इसका क्या मतलब है कि हर क्वार्टर में, यानी कि ये 10% है और ये एनुअल है, तो अगर बात क्वार्टरली की जाए फाइंड करना हो तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 10 को 4 से, क्वार्टर से क्या मुराद है, चौथा हिस्सा। 10% को 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 2.5%, ठीक हो गया। तो आर आपका क्या है, 2.5%। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम यू लिख सकते हैं 0.025, 2.5% जो है या 0.025 एक ही बात है, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो आपको कैसे अपने फार्मूले में पुट करोगे, आपके पास था 1 + r की पावर n - 1, तो 1 तो 1 रहा, r आपके पास क्या है, 0.025
टू फाइव, और एन क्या है हमने कहा क्वार्टरली है लिहाजा ये चार आ गया, ठीक है माइनस वन, तो इसको अगर साल करें तो आंसर आ जाता है 10.4%। तो बज़ाहिर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% का, अगर उसके क्वार्टरली के हिसाब से बात की जाए तो इफेक्टिव जो रेट है वो असल में 10.4% है। अच्छा अगर हम दूसरे फार्मूले क्वेश्चन में आएंगे, इसमें उसने कहा था कि नॉमिनल इंटरेस्ट 11% है और हाफ ईयरली एडेड है, तो अगेन मेरा ख्याल है कि मसला नहीं है, 11% अगर एनुअल हो तो सेमी एनुअल या साल में दो दफा करेंगे दो भी डिवाइड कर देंगे 11% डिवाइड बाई टू, तो ये आपके पास 5.5% आ जाता है और इसको आप कह सकते हो 0.05। तो अब फार्मूले में क्या बनेगा, अगेन हमारे पास 1+r की बार n है, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, r ये हमने निकाल लिया 0.05, इसकी पार n, n अब क्या है क्योंकि साल में दो दफा है तो अब आपका n जो है वो दो हो गया, माइनस वन करेंगे इसको अगर हम साल करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 11.3%। ये फिलहाल हमारे हिसाब से उसकी निस्बत जो है ये बेहतर है, ठीक हो गया। इसी तरीके से बच्चे अगर आप लास्ट में चलें, ठीक है, तो वहां पे क्या है अकाउंट थ्री में एन इंटरेस्ट इज एडेड एट 12% एनुअली, इफेक्टिव एनुअल रेट इज डिनोमिनल रेट, क्योंकि वहां पर एनुअल है ना तो उसको कंपाउंड तो करना ही कोई नहीं है, वो सेम रहेगा, वो 12% रहेगा और उसके यानी कि वो इसमें फार्मूले में लगाने या ना लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका रेट है वो वही रहना है 12% का। तो लिहाजा आइडियल बात यह है कि वो जो एनुअल है 12% के हिसाब से एडेड एनुअली उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इसमें आंसर 10.4 आ रहा था, इसमें 11.3 आ रहा था और थर्ड ऑप्शन में आपका 12% है, तो 12% सबसे हायर है तो वो उसको चूज कर लें, ठीक है। ये है आपका नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।